तो कला की कोई भी विधा हो, अगर आप उससे जुड़े हैं तो जीवन में रोचकता आती ही आती है। और रोचकता की यहाँ पर भरमार है, ऐसी जगह मैं आया हूँ। नमस्कार, मैं रोहित कुमार पोरवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। लोकेशन देखकर आप अंदाज़ा लगाइए, पेड़ है, बच्चे हैं, हल्का सा संगीत भी सुनाई दे रहा है। जैसा कि हमने कहा रोचकता तो यहाँ पर आपको खूब मिलेगी भर भर कर। बता दें आपको इप्टा IPTA यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय जननाट्य संघ, तो एक बहुत ही सुंदर कार्य यहाँ पर हो रहा है। मुझे जैसे कि जानकारी दी गई है कि इप्टा की ग्रामीण इकाई की शुरुआत, जी हाँ, मैं इस वक्त मेरे ही गांव में हूँ, बता दूँ आपको, उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन के ग्राम आटा में। और ये एक स्कूल है, डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज है ये। तो यहाँ पर जो है बच्चे जुटे हैं, इप्टा के लोग जुटे हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे, विस्तार से जानेंगे और बात करते हैं। मेरे चैनल पर दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है, आप लोग जो यहाँ पर, मुझे जैसे जानकारी मिली है कि रंगमंच है कोई, तो मेरे दर्शकों को आप बताइए थोड़ा विस्तार में क्या है, किस तरह का कार्यक्रम है ये। जो हमारा जो इप्टा का एक उद्देश्य है जी, समाज और देश की रक्षा करना। अच्छा। जनता के बीच में जा कर के जनगीत के माध्यम से जी, नाटकों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक करके जनता के बीच में उनसे बातचीत करके जी, ये इस तरह से जो काम हम लोग करते हैं जी, वो हमारा जनता को जागरूक करना जी, और जनता को और जनता के साथ जो बेहतर समाज है उसको और बेहतर बनाना, ठीक है जी, ये हम लोगों का एक उद्देश्य है। और दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक इप्टा के साथ एक ताल्लुक बनाइए सांस्कृतिक, जिससे कि हम लोग संस्कृत के माध्यम से यानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाएं और हम लोग जनता के लिए काम करें। मैं निश्चित तौर पर, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी की बात है, और आप लोगों इस अवसर पर मेरी व्यक्तिगत तौर पर और मेरे सभी दर्शकों की ओर से आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, बड़े स्तर पर हों, क्योंकि ये ऐसे मंच हैं जिनके ज़रिए हम लोग कहीं ना कहीं वो चीज़ें पेश कर सकते हैं जो समाज में प्रेरणा भरते हैं। तो चलिए आपको और झलकियां दिखाते हैं। मरने वाले अंगारे बन भड़क उठे हैं, जंग छेड़ने वाले बारिश बन कर बरसेंगे हम, अमन पे मरने वाले। पूजा है जो अंगारा भैया, पूजा है जो अंगारा भैया, फिर न सुलगने पाए। अपनी प्यारी धरती नया श्रृंगार सजाएगी,
की रंग भरे अंबर में गम की हवा न छूने पाएगी। माँ बहनों का सुहाग भैया, माँ बहनों का सुहाग भैया कभी न मिटने पाए। नगाड़ा शांति का, शांति का, शांति का, ओ बजा नगाड़ा शांति का, शांति का, शांति का, बजा नगाड़ा शांति का, शांति का, शांति का। मजूर जागा, किसान जागा, जागी है जनता सारी, भारत जागा, यूरोप जागा, जागी है दुनिया सारी। मजूर जागा, किसान जागा, जागी है जनता सारी, भारत जागा, यूरोप जागा, जागी है दुनिया सारी। गूंजी है मन की आवाजें, गूंजी है मन की आवाजें, जग कोरों का दिल दहलाए। भाई लोगों गाना जो है प्रकृति को भी पसंद आ गया है, इसलिए जो है थोड़ा हवाएं तेज चलने लगी। पेड़ जो है देखो, हवा हवा के जरिए पेड़ की खुशी जो है जाहिर हो रही है। आप देखिए मौसम एकदम से बदल गया है, एकदम से जैसे तानसेन के गाने से सुनते थे कभी दीपक जल जाते थे, बारिश हो जाती थी, वैसे ही देखा है। इफ्ता ने अभी गीत गाया और जो है आसमान में बादल छा गए और हवा भी तेज चलने लगी और डालियां देखिए झुकी जा रही हैं। मैं वही अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, जैसे तानसेन के गाने से कभी दीपक जल जाते थे, बारिश होने लगती थी, वैसे ही इन लोगों के गाने से जो है मौसम ने एकदम करवट बदल दी। लेकिन कार्यक्रम नहीं रुकेगा, कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारे भाई साहब का चैनल को जान जान सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इतना ही सपोर्ट करते रहें हमारे भाई साहब को, यही मेरी मनोकामना। बच्चों में काफी उत्साह है, अपना उत्साह हमें समर्थन करके भी जाहिर कर रहे हैं। तो ये एक दर्शक से भी आपको मिलवाते हैं, हमारे बचपन के साथी दोस्त हैं, ये साथ में पढ़े हैं, भोला भोले हैं ये है? भोले ही नाम और कुछ है, लोधेश कुमार नाम, लोधेश कुमार नाम, इनका हम भूल जाते हैं, ये नाम भोला याद रहता है। तो बताओ अपना जाहिर करो अपने जज्बात, कैसा लग रहा है, क्या देखा है ये कार्यक्रम जो है। हाँ। बहुत ही अच्छा और संस्कृत कार्यक्रम है। हाँ। जिसे हम देख करके गदगद हो गए हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा हमें कार्यक्रम। खास बात क्या रही? खास बात ये है कि इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है नाटक के माध्यम से, ये बहुत ही जरूरी और बहुत जरूरी है ये कार्यक्रम। जहाँ बच्चों को दबाया जाता है वहाँ बच्चे, उनके भीतर जो होता है अच्छा वो बाहर नहीं आता, दब के रहता। हम लोग एकता के लोग, हम आज बनाने आए बच्चों की एकता, जिसे कहते हैं लिटिल एकता नाम। तो नाटक की तैयारी हो रही है यहाँ पे है, क्या बात है। कौन सा आपका क्या मतलब रोल होने वाला है? हमारा लाल बहादुर शास्त्री वाला रोल है। लाल बहादुर शास्त्री वाला, क्या बात है। क्या नाम वैसे तुम्हारा? शुभांशु। शुभांशु कौन सी कक्षा के छात्र? सेवेंथ। आटा गई हो? आटा गई। क्या बात है। और भैया आपका कौन सा रोल है, क्या है? हमारा, हाँ, हमारा नाम प्रिंसराज है। हम मुस्लिम का
रोल निभा रही है। मुस्लिम नेता नहीं, मुस्लिम आदमी, मुस्लिम साक्ष्य है। अच्छा, तो बड़ा ही मुझे लगता है रोचक होने वाला है नाटक। है कौन सी कक्षा के छात्र हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल के टेंथ? यस। और कौन है भैया रोल में? बच्चा। हाँ बताओ जरा। हम बच्चा का रोल कर रहे हैं। बच्चे का है? बच्चे तो है ही आप। हम कक्षा 5 में पढ़ते हैं। नाम क्या है? हमारा नाम प्रत्युष गौतम है। प्रत्युष गौतम आटा से ही? हाँ। अच्छी बात है। और हेलो गाइस, पंडित जी कपिल है। मैं अभी पंडित जी का रोल निभा रहा हूँ नाटक में। अच्छा, तो मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, का क्लास छात्र। धोती कुछ बड़ी हो गई का? अरे यार पंडित जी तुम्हें फनी वीडियो तो पंडित जी का रोल है आपका है? जी। आप भी छात्र हैं? हाँ जी। कहाँ पे? डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज। यहीं पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में? टेंथ। टेंथ के छात्र हैं। नाम बता दिया? चलो अपना धोती सही कर लो यार, वहाँ पे खुले ना है ना। लीजिए अब आपके सामने प्रस्तुत है लिटिल इंडिया आटा का नाटक अहिंसा परमो धर्मा। तालियां तो बजाओ सब लोग। आंदोलन में महात्मा गांधी की अहम भूमिका थी। महात्मा गांधी के चरित्र को लेकर के बच्चों ने ये नाटक तैयार किया है, जो कि अहिंसा परमो धर्मा, जो गांधी जी का मूल मंत्र था, उस पर ये नाटक आपके बीच में होने जा रहा है। आइए हम देखते हैं अहिंसा परमो धर्मा। Thank you.
आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के साथ एक और शख्सियत थी जो गांधी जी की जयंती पर ही जन्मे थे, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इस आंदोलन में वो गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के लिए आगे बढ़ रहे थे। महात्मा गांधी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान की औलाद में इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कॉलेज के यहाँ के अच्छा लगा बच्चों के साथ में, तो हम अपनी मतलब बच्चे हम लोग भी बन गए हैं बच्चों के साथ में, तो ऐसे ही लगता। अच्छा, और अच्छा लगा कि हमारे बच्चे आगे बढ़े हैं। बस ये बच्चे ही स्तंभ हैं समाज का, यदि ये परिष्कृत होंगे, सुसज्जित होंगे संस्कारों से, तो निश्चित बात है कि आगे चल के ये सुसंस्कृत तरीके से काम करेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे आगे चल के समाज में एक जहाँ भी पहुँचे, जो भी काम करें, हम नहीं कहते डॉक्टर बने इंजीनियर बने, क्योंकि एक मजदूर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो काम करें बहुत सुसंस्कृत तरीके से करें। और नाटक एक ऐसा माध्यम है कि उससे निर्भीकता पैदा होती है समाज में, बच्चे निर्भीकता से अपनी बात कह सकते हैं। कोई भी समस्या है किसी को डायरेक्टली जाके हम बोलते हैं तो ऑब्वियस है कि उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम नाटक के माध्यम से किसी समस्या के विषय में बात करते हैं तो लोगों को समझ आती है, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारा लक्ष्य है चलो लोक की ओर, तो लोकतंत्र की सार्थकता तभी है जब हम आम जनता के बीच और खासकर वर्किंग क्लास के बीच जाए। वो वर्किंग क्लास गांव में मिलता है, किसानों के बीच में। ये हम लोग बहुत दिनों से कर भी रहे हैं, यहाँ आकर के भी हमें एक उम्मीद जगी है। इन बच्चों के बीच जो हमने प्रतिभा देखी है, लगता है कि हम अपने मिशन में, जो हमारा मिशन है कि गाँव गली इन तमाम बीच में जाकर के लोगों में एक चेतना पैदा हो, एक सामाजिक चेतना ही पैदा करना हमारा मेन लक्ष्य है। एक सांस्कृतिक चेतना पैदा हो, हमारा कोई पॉलिटिकल एम नहीं है, एक सांस्कृतिक सामाजिक चेतना, उसका उन्नयन हो और बच्चों में एक नए सिरे से बच्चे सोचना शुरू करें। दरअसल इस उद्देश्य से ही हम लोग गाँव-गाँव जाते हैं। और आटा आ करके मैं इस बात के लिए बहुत ही अंदर से मुझे खुशी हुई है कि निश्चित रूप से ये बच्चे आगे चल करके बहुत बेहतरीन भूमिका में आएंगे, हमारा पूरा विश्वास है। ये तो बच्चे हैं, कल बड़े होंगे, सीख रहे हैं। उम्मीद है कि जिस वजह से हमने आप जो की है कामयाबी मिलेगी कामयाबी मिलेगी।
बच्चों में संभावनाएं होती है ना। आप लोग वर्षों से इस कार्य से जुड़े हैं, रंगमंच के जरिए समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो कितना फर्क आपको, आपके अनुभव से बताइए, कितना फर्क आपको नजर आता है आउटकम? हम उरई की सड़कों पर जब भी चंदा मांगने जाते हैं तो हमें कोई मना नहीं करता, चाहे टाके लोग हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, ये हमारी कमीशन, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, जैसे कि हम लोग इप्टा से जो लोग हैं, इप्टा जब गठन हुआ था इप्टा का 1943 में, तो उस समय ही एक सूत्र वाक्य दिया गया था, और वो ये था कि जनता के रंगमंच की असली नायक जनता है, जनता के रंगमंच की असली नायक जनता है। चूँकि ये एक रंगमंची संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है, तो हम लोग, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत आज भी अधिकांश, हम ये मान के चलते हैं कि गाँव में निवास करता है, जो रंगमंच, जो असली नायक है, जो असली जनता है, वो अभी भी गाँव में रहती है। और जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, तो बिना लोक संस्कृति के कोई भी सांस्कृतिक आंदोलन अधूरा है, और लोक संस्कृति, जन संस्कृति अभी भी गाँव में जीत। शहरों में तो आधुनिकता के आवरण के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन गाँव में लोक संस्कृति अपने असली रूप में आज भी मौजूद है। तो इप्टा की जो इस ग्रामीण इकाई के गठन करने के पीछे हमारी ये भी है, किस माध्यम से गांव में हमारा आना जाना रहेगा, ठीक है, और ये गांव में जो लोक संस्कृति का उभार, हम चाहते हैं कि लोक संस्कृति, और लोक संस्कृति के साथ साथ वो लोक संस्कृति, ठीक है, जो जनता की पक्षधर हो, यानी जिसमें जनता की आवाज़ हो, जिसमें जनता के दर्द हों, जनता की पीड़ाएँ हों, और जनता के सामने विकल्प भी हो, जिसको हम कहते हैं कि श्रम की संस्कृति। तो ये हमारा इसके पीछे उद्देश्य है, और इसीलिए हम लोगों ने एक नया नारा भी दिया है 2 साल पहले कि चलो गांव की। हमें जानकारी है कि ये एक्टिंग के छात्र हैं, नाम बता दो जरा। श्रेयस गुप्ता। श्रेयस गुप्ता है, उरई से ही? उरई से। तो यहाँ आए हो बच्चों के बीच में, जरा शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। देखा हम लोगों ने बच्चों का कार्यक्रम, देखा कि मतलब बच्चों में यहाँ एनर्जी है, अच्छा, अच्छी खासी बच्चों में एनर्जी दिखाई, बच्चों में एनर्जी है, करने के लिए काफी इच्छुक हैं। तो अब सोच रहे हैं कि यहाँ एक वर्कशॉप लगाई जाए बच्चों की, अच्छा, एक दो नाटक तैयार किए जाए अच्छे से, कई सा मतलब सब चीजों को मिला के, म्यूजिक वगैरह के साथ मिलके अच्छे से स्टेज प्ले। कल्पी इप्टा इकाई के अध्यक्ष हैं, और अभी हम लोग दीपावली के दूज में दीपदान महाआरती सर्वधर्म मेला का आयोजन करने जा रहे हैं, दीपावली के दूज को, जिसमें इप्टा के सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे, और वहां पर भी हम लोग जन जागरूकता, सामाजिक जागरूकता का कार्य करेंगे। तो ये रहा, ये भाई दीपेंद्र जी हैं जो इप्टा से जुड़े हैं, सक्रिय सदस्य हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पर गाँव में जो है इप्टा की इकाई की शुरुआत हुई, लिटिल इप्टा जी, लिटिल इप्टा, ग्रामीण इप्टा, लिटिल इप्टा, और अब बच्चों के इस तरह से नाटक होते रहेंगे, और एक बड़ी प्रेरणा वाली चीज़ें जो है समाज के सामने आती रहेंगी बच्चों के द्वारा, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ जो आप जाहिर करना चाह रहे हो हमारे दर्शकों से, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, पहले तो रोहित जी आपको नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं दीपेंद्र सिंह, महासचिव उरई इप्टा, और आज ये जो ग्रामीण इप्टा की इकाई गठित की है, इस इकाई को गठित करने का मकसद है कि गाँव में जो समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, या धार्मिक समस्या हो, या जातिवाद को लेकर जो समस्याएं हैं, या पानी के वेस्टेज की समस्या है, इन समस्याओं को लेकर एक छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक लेकर हम लोग गाँव में जाएंगे, गाँव के लोगों को बताएंगे, गाँव के लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे कि एक जनरल अवेयरनेस फैले, लोगों को भी जागरूकता आए, और वो एक दूसरे से भाईचारा बना के रह सके। क्या बात, बहुत सुंदर बात आपने कही कि केवल मनोरंजन उद्देश्य नहीं है, मनोरंजन के जरिए सीख जाए लोगों में, है ना? बेशक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि, और मेरी शुभकामनाएं आपको और सभी बच्चों को, कि प्रेरणा के काम करते रहें, समाज में सीख जाती रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मेरे दर्शकों, यानी आप सभी लोगों की, जो लोग भी वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, आपकी कोई राय या प्रतिक्रिया या कोई प्रश्न है तो कमेंट
सेक्शन में ज़रूर लिखें, हमें बताएं, कोई सुझाव हो तो लिखें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाई ये भी हमारा भी आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि हमारे रोहित जी का जो चैनल है उसको सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमेशा नए नए मुद्दों को लेकर और नए नए चर्चाओं को लेकर हमेशा अपना वीडियो बनाते रहते हैं, इसलिए आप लोग इनका सहयोग अवश्य करें। चलिए, मेरी बात ना माने तो इनकी ज़रूर मान लें, है ना। चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आटा के डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज से जय हिंद।